हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11th अकाउंटेंसी एंड बेटा टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू। बेटा ये चैप्टर सिर्फ एक दिन का है और ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है, इवन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एज वेल एज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड यू हैव लर्न अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। बट ये एक APC बुक में एक सेपरेट चैप्टर के रूप में है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर्स में, द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, उनके डेफिनेशंस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा। सो बेटा मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। पहले भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि बिजनेस में कुछ एसेट्स होती हैं, कुछ इनकम होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ कैपिटल होती है, मैन पावर है वो काम करता है, बिना इनके बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, तो आपको मैंने समझाया था, अगर आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं और जो इनकम होती है वो आपकी क्या होती है। मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, क्लियर, एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। बेटा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे हमारी एसेट्स जनरेट होती है, उनसे क्या जनरेट होती है, हमारी एसेट्स, क्लियर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी क्या जनरेट होती है, एक्सपेंसेस। ये इवन हर एक क्लास में मैं आपको जब भी मौका होता है तब आपसे ये डिस्कस करती हूँ। एसेट्स हमारी कौन सी होती है, बिजनेस को करने के लिए, क्या बिजनेस हम हवा में करेंगे, बिजनेस को करने के लिए हमें कोई प्लेस ढूंढना होगा, हो सकता है हमें लैंड परचेस करनी पड़े, बिल्डिंग, अगर हमने हो सकता है हम बिल्डिंग परचेस करें या लैंड परचेस करके उस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें, या हो सकता है हमारे पास ऑलरेडी बिल्डिंग हो, तो बिल्डिंग होगी तो लैंड तो उसमें शामिल ही है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्लियर। करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिजनेस को कुछ फर्नीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर बेटा। फर्नीचर्स के लिए अलावा भी हमें क्या करना होगा, हमें कुछ और एसेट्स होंगी वो हमें रखना पड़ेगा, हो सकता है हमारे पास मोटर कार, कार वार के लिए रखना पड़ेगा, व्हीकल का मोटर कार हो गया एक्सेट्रा हो गया, हमें हो सकता है कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े मार्केट में एक्सेट्रा। तो ये आपका जो इन सबको करने के लिए भी तो आप बेटा पैसे खर्च कर रहे हो, बिजनेस से पैसा खर्च हो रहा है, लैंड अगर आप परचेस कर रहे हो देन आप एक्सपेंड कर रहे हो मनी, बिल्डिंग परचेस कर रहे हो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बिल्डिंग आपसे एक्सपेंडिचर्स आपसे पैसा जा रहा है, फर्नीचर सब आप परचेस करते हो तब भी आपके पास से पेमेंट खर्च होता है, मोटर व्हीकल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो सपोज आपने मोटर कार खरीदी और मोटर कार को परचेस करने के लिए आपने क्या किया, आके रख तो देंगे नहीं, इसको चलाएंगे और मोटर कार को जब आप चलाएंगे तो उस पर पेट्रोल या डीजल पड़ेगा, तो पेट्रोल या डीजल है वो भी तो आपका खर्चा है। फ़र्क क्या है, मोटर कार को ख़रीदने में आपको एक बल्क अमाउंट देनी पड़ी, एक बल्क अमाउंट देनी पड़ी, सपोज़ 10 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़, और एक्सपेंसेस आप पेट्रोल कितना डलवाते हो, 500 रुपये का, 1000 का, 2000 का, हद से 3000 का, क्लियर, एक छोटी अमाउंट में। लेकिन क्या होता है, मोटर कार अगर आपने एक बार खर्च कर दी मोटर कार पर पैसा, तो आप बार बार परचेस करने वाले नहीं हो, लेकिन आपने जितने का पेट्रोल या डीजल डलवाया है बेटा, ये देखो पेट्रोल या डीजल है वो आपको बार बार खर्च करना पड़ता है, तो ये दोनों ही आपके क्या है, एक्सपेंडिचर है, दोनों ही क्या है आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। मोटर कार से आपकी क्या जनरेट हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी क्या जनरेट होती है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी एसेट्स जनरेट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या जनरेट होती है बेटा, आपकी एसेट्स, और जो आपका कौन सा एक्सपेंसेस है बेटा, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, दोनों ही एक्सपेंडिचर्स हैं, उससे आपकी क्या जनरेट होती है बेटा, एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं। तो जैसे वो चीज़ जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहे, लॉन्ग रन में रहे, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, वो आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी एसेट जनरेट होगी, और वो एक्सपेंसेस जो बार बार हो, रिपीटिव नेचर्स के हों, जिनकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो कितनी हो, 12 मंथ या फिर
1 ईयर मैक्सिमम, बार बार रिपीट होते रहे, बार बार होते रहे, वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में माइक्रोवेव खरीदा, माइक्रोवन, तो वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट जनरेट हो रही है, और उसको चलाने के लिए जो आपका बिजली का बिल आ रहा है वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। माइक्रोवेव आपकी एसेट्स है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंसेस है। रेफ्रिजरेटर आपकी क्या है बेटा, एसेट्स, क्लियर। और रेफ्रिजरेटर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो एक्सपेंसेस है। बाइक आपने परचेज की, बाइक आपकी क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल। और बाइक पर जो आप पेट्रोल डलवा रहे हो बाइक को चलाने के लिए, वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए रहेगी तो बाइक ने क्या जनरेट किया, आपके पास एसेट्स है, जो आपने पैसा खर्च किया बाइक पर उसको आप एक्सपेंसेस तो बोलोगी, एक्सपेंसेस नहीं, वो जो आपने पेमेंट खर्च किया वो आपका एक तरीके से एक्सपेंडिचर है, लेकिन कौन सा एक्सपेंसेस है, कैपिटल। पेट्रोल को भी डलवाने के लिए आपने पैसा खर्च किया वो भी आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन कौन सा एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या जनरेट हुए, एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बार बार होते। तो आई होप थोड़ा बहुत आप समझ में आपको आया होगा। चाय बनाने का आपने केतली खरीदी, वो आपकी क्या है, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो चाय बनाने का मटेरियल आप परचेस करते हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार होगा। वो एक्सपेंसेस जो बार बार हो वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और जो एक बार हो जिसका इफेक्ट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर हो वो आपके होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा आई होप ये समझ में आपको आया होगा। इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से हम डील करेंगे उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो बेटा देखिए, मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की मीनिंग क्या होगी हमारी, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर्स that are incurred by an organization for long term benefits are known as capital expenditure. ये long term benefit के लिए हमारे खर्च होते हैं, and ये profit को increase करने में help करती हैं, assets हैं वो profit को increase करने में help करती हैं। These expenditures serve the purpose of increasing the capacity of or capabilities of long term assets by either enhancing or adding new assets to the organization. ये business की capacity को increase करेंगी, और जब capacity business की increase होगी तो इससे बेटा क्या होगा, profit भी आपका increase होगा। तो basically ये huge amount में खर्च किया जाता है, ये profit को increase करने में help करती हैं। इसका effect क्या होता है, long time तक रहता है इन expenses का, and ये assets को generate करती हैं। These expenditures are added on the asset side of the balance sheet. Balance sheet में कहाँ mention करते हैं, asset side में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन मोस्टली ऑन एसेट्स सच एज लैंड, इक्विपमेंट्स, फर्निशिंग और व्हीकल, दैट द हेल्प टू ड्राइव बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी। सपोज आप अगर किसी वॉक आप किस कोई बिजनेस कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर व्हीकल नहीं है, तो जो आपका टाइम आने और जाने में इन्वेस्ट होगा, अगर आप एक कार ले लेते हो तो आपका टाइम बचेगा, और इससे आप क्या कर सकते हो, उस टाइम को अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हो, मार्केटिंग ज़्यादा कर सकते हो। तो बेटा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है ये आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जांपल आप कौन कौन से ले सकते हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लियर, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा, इसकी जो हम बात करेंगे ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। फिर हम मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एक प्रॉपर डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है। बेटा देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कुछ नहीं है इसमें कराने के लिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में इस सारे टॉपिक को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिफर टू एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द डे टू डे फंक्शन ऑफ बिजनेस। सपोज बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है, कुछ एक्टिविटीज़ कैसे होती है, डेली होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल वर्कर्स को हमें क्या देना है, स्टाफ को सैलरी देनी है, वर्कर को वेजेस देना है, हमें रॉ मटेरियल क्या करना है, परचेज करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट ऑफिस में कुछ भेजना है, पोस्टेज चार्जेस हो गए, प्रिंटिंग करवानी है, एंड देन रिफ्रेशमेंट है, कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको रिफ्रेशमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं आपके,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना है, फैन चल रहा है तो लाइटिंग के खर्चे देने, बहुत सारे अनलिमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में टू ऑपरेट द बिजनेस। डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक घर बन गया है, घर को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन घर को मेंटेन करने के लिए डेली कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में भी पैसा रिक्वायरमेंट मनी की पड़ रही है। तो जो बिल्डिंग बनाने में अमाउंट खर्च हुई, एक्सपेंड हुई, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और जो डेली के रूटीन के खर्चे मेंटेन करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। सो विच कैन इंक्लूड एम्प्लॉय वेजेस, इन्वेंट्री, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टैक्सेस। सेम वही है जो मैंने जस्ट अभी आपसे डिस्कस किया है। तो रेवेन्यू बेसिकली इसका पॉइंट क्या हुआ, रेवेन्यू का रिफर टू एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज डे टू डे फंक्शन ऑफ अ बिजनेस। क्लियर बेटा? दीज आर एक्सपेंडिचर्स विच नाइदर हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स नॉर हेल्प इन रिड्यूसिंग द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ना तो ये बिजनेस की लाइबिलिटीज को कम करते हैं और ना ही एसेट्स को ये इंक्रीज करते हैं, इन दोनों में कोई भी हेल्प नहीं करते। इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब बेटा क्या होता है, बार बार होते हैं, बार बार। गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाएंगे, आप 50 किलोमीटर का वापस से आपको डलाना पड़ेगा, जितने किलोमीटर का आप पेट्रोल डलवाएंगे उतने ही किलोमीटर गाड़ी का रन होगा। तो कार तो आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी एसेट्स है, और पेट्रोल क्या है आपका, पेट्रोल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से इन नेचर। तो ये किस नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, एंड इज वेरी इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द डेली ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इनके बिना, इनको हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, जो आपका रेवेन्यू है उनका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन बेटा ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिना इनके बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकते। सपोज आपने कार परचेस कर ली, बाइक परचेस कर ली, लेकिन बिना पेट्रोल डीजल के क्या आप बाइक को ऑपरेट कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही बिना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बिजनेस काम रन कर ही नहीं सकता है। दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आइदर लार्ज साइज और इन स्केल साइज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कैन बी ड्राइव्ड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट एंड टू कैटेगरीज। बेटा ये ड्राइव होता है, मैं इसको बता दूँ, ये आपके दो कैटेगरीज में ड्राइव होगा। एक आपके होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके ऑफिस से रिलेटेड होंगे, यानी कि बिजनेस में प्रोडक्शन हो या ना हो, उनको बिजनेस में होना ही होना है। इस टॉपिक पर हम बेटा और बाद में डिस्कशन करेंगे। इवन आपका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ हम डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। अबव डेफिनेशन, जो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी बेटा, इसी के हेल्प से हम इजीली बना सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल नेचर एक बार होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक बार होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बार बार होते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जिनका इफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर फॉर कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स और ऑपरेटिंग पीरियड्स। तो बेटा मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और रेवेन्यू एक्सपेंसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को मेनटेन करके रखना। क्लियर? रेवेन्यू इसके एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड रेवेन्यू के सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रिपेयर्स, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर टाइमिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज टू एक्सपेंसेस ग्रेजुअली वाया डेप्रिसिएशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ये डेप्रिसिएशन जो वर्ड आया, आपने अपने बुक में भी देखा होगा कि बार बार यूज़ हो रहा है डेप्रिसिएशन। क्लियर? जो डेप्रिसिएशन है ये आपका आने आने वाला कमिंग चैप्टर है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम बुक में वन टाइम में माइनस नहीं करते, इनको हम क्या करते हैं, हर साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है बेटा वो क्या जनरेट करता है, एसेट्स। क्लियर?
और एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है, लैंड हो बिल्डिंग हो, एक टाइम के बाद हमें रिप्लेस करना होगा। तो हम क्या करते हैं इनको डायरेक्टली हम माइनस नहीं करते, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम क्या करते हैं डेप्रिशिएशन के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट में से हम इसको माइनस करते हैं, डेबिट करते चले जाते हैं और एक टाइम के बाद इनकी वैल्यू क्या हो जाती है ज़ीरो। डिटेल में आप डेप्रिशिएशन के बारे में चैप्टर्स में पढ़ोगे। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं चार्ज्ड टू एक्सपेंसेस इन द करेंट पीरियड एंड शॉर्टली देयर आफ्टर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम करेंट पीरियड में ही चार्ज कर लेते हैं और इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं तुरंत ही। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, डिफरेंस थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के। बेटा और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को जनरेट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमारे किसको जनरेट करते हैं एक्सपेंसेस को। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फिक्स नेचर के होते हैं, वो जनरेटिंग रिपीटिंग नेचर के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं एसेट्स की तरफ, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कहाँ पर दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का जो अकाउंट हुआ बेटा वो रियल अकाउंट है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपके कौन से हैं नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बेटा ये कुछ हमारे शॉर्ट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किया, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बुक में हैं, उनको हम बेटा फिर डिस्कस करेंगे।